मैकनिकॉफ नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा था कि एक छोटी सी वैक्यूल टेम्परेरी फूड वैक्यूल बनती है, फूड वैक्यूल जैसे यहाँ पर बन गई। तो इस टाइप से कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या कोई सेल है बॉडी की, वो फिर किसी भी भोजन को ले सकता है। इसके चार और लाइसोसोम आ जाते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। उनसे निकलने वाले जो एंजाइम है वो उस फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं और इस वजह से इनका डाइजेशन हो जाता है। तो एंडोसाइटोसिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज कैटेगराइज इनटू फैगोसाइटोसिस एज वेल एज पिनोसाइटोसिस। इफ बॉडी इनटेक सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस अकॉर्डिंग टू मैकनिकॉफ। इफ बॉडी एब्जॉर्ब लिक्विड मटेरियल कॉल्ड पिनोसाइटोसिस अकॉर्डिंग टू लीवाइस। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है बाहर भेजना, तो उसको रिवर्स पिनोसाइटोसिस भी कहते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, डिफेंस है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारी चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही। लोकोमोशन जो सूडो बॉडियाँ बनते हैं वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम के बाद में नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स बॉडी के अंदर आता है उसको हम लोग कहते हैं गॉल्जी बॉडी या ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। ईआर के ऊपर एक सवाल आता है कि ईआर की ओरिजिन किससे होती है, ईआर की ओरिजिन किससे होती है। तो ईआर एक प्रकार से जो है ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से बनता है। सबसे पहला सवाल न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, ये जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर बार बार जो है कोई ना कोई फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग की वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहते हैं एनुलेट लैमेली। एनुलेट लैमेली, ये एनुलेट लैमेली जो है वो ईआर की प्रिकर्सर है। यानी ईआर की प्रिकर्सर का मतलब ईआर जिस यूनिट से बनती है, जिस ट्यूब से बनती है, उसको सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी इसकी यूनिट है, ईआर की जो यूनिट है वो है सिस्टर्नी। लेकिन ये सिस्टर्नी जिससे बनती है उससे पहले एक नई संरचना बनती है जो आगे जाके सिस्टर्नी बनाती है, एनुलेट लैमेली। ये इसकी प्रीकर्सर है, ये बनने के बाद सिस्टर्नी बनेगी और ये सिस्टर्नी एक दूसरे के पास में इस टाइप से व्यवस्थित हो जाती है और उसके बाद में ईआर का निर्माण करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती है। सिस्टर्नी दो तरह की स्ट्रक्चर बनाती है। अगर सिस्टर्नी आपस में इस टाइप से जुड़ रही है तब तो ये ईआर बनेगी, और सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर जुड़ रही है तो ये गॉल्जी बॉडी बना देगी। तो इसका मतलब गॉल्जी बॉडी और ईआर दोनों का निर्माण सिस्टर्नी से ही होता है। अगर वे इस टाइप से इस मैनर में जुड़े तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगी, और इस मैनर में जुड़े तो गॉल्जी बॉडी बनाएगी। ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पर पाया जाता है। ईआर का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनाना और लिपिड बनाना। अगर कोई ईआर प्रोटीन बनाती है तो वो आरईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड बना दिए तो उसको एसईआर कहते हैं। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ये ईआर है तो ऐसे ईआर जिसके ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो ट्रांसलेशन प्रोसेस द्वारा प्रोटीन बना सकते हैं जो उसके ल्यूमेन में जाकर बनेगा। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि ईआर में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो प्रोटीन कहाँ बनते हैं, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में बनते हैं। ल्यूमेन के अंदर बनेंगे हमेशा, क्योंकि सरफेस पे तो क्या है, राइबोसोम्स है। इसी प्रकार जो लिपिड है वो किससे बनेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जो एसईआर है लिपिड भी बनाते हैं, ये एसईआर स्पिरोसोम भी बनाते हैं, ये एसईआर आगे जाके परोक्सीसोम भी बनाते हैं, अलग अलग तरह के जो मटेरियल है वो बनाते हैं। तो इस टाइप से ये सारा का सारा जो मैटर था वो ईआर को लेकर के इसमें ईआर से। अब एसईआर जो है, एसईआर अभी मैंने बताया कि लिपिड बना रहा है, ये न सिर्फ लिपिड बनाता है जबकि बॉडी में विटामिन, लीवर के द्वारा विटामिन ए सिंथेसिस करना, कोलेस्ट्रॉल, फैट का मोटा मेटाबॉलिज्म है कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा फैट का ऑक्सीडेशन वगैरह, ये सारे काम भी इसके द्वारा होता है। तो आज हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ईआर के बारे में पढ़ाया। अगले नेक्स्ट टॉपिक साइटोलॉजी के अंदर मैं आपको सेल ऑर्गेनाइज जैसे गॉल्जी बॉडी, मेजर सेल ऑर्गेनाइज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।